अमेरिका में इलेक्शन रिजल्ट्स आज नहीं आ सकते क्योंकि पेंसिल्वेनिया में 8 घंटे के लिए वोटिंग की गिनती रोक दी गई है। पेंसिल्वेनिया में 8 घंटे के लिए वोटिंग की गिनती रोक दी गई है। पेंसिल्वेनिया में बुधवार सुबह 10 बजे से फिर शुरू होगी वोटों की गिनती। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती फिर शुरू होगी। यूएस की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया डेमोक्रेट्स का गढ़ है। पेंसिल्वेनिया में मगर हिलेरी को हार मिली थी। आखिरी काउंटिंग तक पेंसिल्वेनिया में 7 लाख वोटों से आगे चल रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ अमेरिका से जुड़ चुके हैं, कई मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले रोहित, पेंसिल्वेनिया में काउंटिंग क्यों रोक दी गई है? ओवर टू यू वेरी क्विकली। ये कश्मकश चल रही थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाकी फिर ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे अमेरिका में अभी ये बहुत डेवलपिंग सिचुएशन है। एक्चुअली यहाँ पे जो जितनी भी चीजें चल रही हैं काउंटीज के लॉ को लेके, स्टेट के लॉ को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, और इसी के बीच में यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है कि 10 बजे तक, अभी से और कुछ यहाँ पे 6 घंटे 7 घंटे बाद तक जो काउंटिंग है वो रोक दी गई है बैलेट की। और ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह सबसे पहला काम ये हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी यहां से। निशान, आप जो बता रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।